नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मॉनसून में सभी लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आज हम ऐसे ही एक रिसॉर्ट में जा रहे हैं जिसका नाम है आरके रिसॉर्ट। सबसे पहले जान लेते हैं ये रिसॉर्ट कहाँ है और यहाँ कैसे आना है। आरकेस रिसॉर्ट करजत में है और आप यहाँ पे ट्रेन से भी आ सकते हैं, इसलिए आपको CSMT से करजत ट्रेन मिल जाएगी। फिर आप करजत से टैक्सी कर सकते हो जो 500 चार्ज करते हैं फुल टैक्सी का। हम आरकेस रिसॉर्ट बाय कार जा रहे थे और मुंबई से इसकी दूरी कुछ 80 किलोमीटर है। कार से आपको एक एडवांटेज मिल सकता है जो कि ऑन द वे आप और प्लेसेस भी विजिट कर सकते हो, जैसे कि हमने अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ मठ के दर्शन किए और आप चाहे तो पळसधरी वाटरफॉल भी जा सकते हो। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और इस बार हम लोग आए करजत, करजत में एक फैमिली आउटिंग करने के लिए। तो अभी हम लोग हैं फिलहाल आरके रिसॉर्ट में जो कि मुंबई से कुछ 87-90 किलोमीटर दूर है। तो अभी 12 बजे का चेक इन है, पहले चलो चेक इन करते हैं फिर लंच करते हैं, फिर आपको मैं पूरा टूर देता हूँ रिसॉर्ट का। बाय। तो अभी ये दो रूम हमारे हैं, अंदर से दिखाते हो आपको रूम। तो ऐसा रूम एसी है, वॉशरूम। तो अभी लंच में सलाद, रोटी, भाकरी, पापड़ मिसिंग है, आ रहा है पापड़, राइस, दाल, अमृत दम, भाजी कैसी है क्या का? पोटैटो सब्जी और चिकन। तो अभी लंच करके हो गया, मैंने तो नॉनवेज खाया, काफ़ी मतलब डिसेंट था, घरगुती टाइप खाना था। और वेज कैसे था? वेज भी अच्छा था। अच्छा था। चलो अभी तो आपको मैं प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस थोड़ा मतलब ख़तरनाक वाला एंट्रेंस है, थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये भी प्रॉपर्टी अभी बन रही है इनकी। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है जो हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग है और पार्किंग के बाजू में डाइनिंग एरिया है। तो डाइनिंग एरिया के बीच में टेबल टेनिस है और यहाँ पे किड्स सेक्शन है बच्चों को खेलने के लिए, स्लाइड और झूला लगाया होगा। और कोई इवेंट होगा तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया है और वहाँ पे स्विमिंग पूल है। डिसम आ गया, इतना गई से हम लोग इधर स्विमिंग पूल पे आ गया और ये हमारा स्विमिंग पूल, इतना बहुत बड़ा है ये बिग स्विमिंग पूल और ये स्मॉल स्विमिंग पूल। और ये सब स्टे ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप ग्रुप में आना चाहते हो या फिर कपल आना चाहते हो, जैसे भी फैमिली के साथ, तो ये सारे स्टे ऑप्शन है। लंच के बाद बारिश स्टार्ट होती है और हम चले जाते हैं पुल में मस्ती करने के लिए। वैसे तो पुल के दो ऑप्शन थे लेकिन जो बैकेट में पुल था हमने वो चूज़ किया क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। कैसा लगा पानी में जाके? अभी शाम के 5:30 बजे और अभी स्नैक्स है। अभी स्नैक्स में है कटलेट्स और ये पटाटा वड़ा। तो अभी हम लोग फ्रेश हो गए हैं और ब्रेकफास्ट करने गए थे। इससे पहले ब्रेकफास्ट में ब्रेड कटलेट और बटाटा वड़ा था, दोनों अच्छे थे काफ़ी, लेकिन बटाटा वड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खा लिया अभी।
तो अभी नींद आने लगी है, अभी थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, चलते हैं और फिर देखते हैं इवनिंग में कुछ गेम्स खेलते हैं। पुल में मस्ती करने के बाद हम लोग फ्रेश होते हैं और बाहर टहलने निकल जाते हैं। पास ही में हमें एक खूबसूरत सा टेंपल मिलता है, वहाँ पे हम दर्शन लेते हैं और फिर बाद में हमें पता चलता है हम तो किसी और के रिसोर्ट में चले गए थे। इसके बाद हम कैरम और टेबल टेनिस खेल रहे थे और करीब करीब 7 बज गए थे और हमें भूख भी लगना स्टार्ट हो गई थी, तो इसके लिए हम लोगों ने स्टार्टर ऑर्डर किया। कैसा चिकन चिली? यम्मी। जिसमें गार्लिक चना, फ्रेंच फ्राइज और चिकन चिली था। बाय द वे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस है। और इसके बाद टाइम आता है डिनर का। खाने में है एक छोले की सब्जी है, पनीर है, दाल राइस, पापड़, भाकरी है और स्वीट में गुलाब जामुन और सलाद। और नॉन वेज में है चिकन टिक्का और चिकन करी। सो गुड मॉर्निंग। तो कल रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, काफ़ी मतलब काफ़ी तेज़, और अभी कुछ बजे 8 और 9:30 बजे ब्रेकफास्ट है, तो उससे पहले फ्रेश हो लेते हैं। ब्रेकफास्ट में था ब्रेड, जैम एंड बटर, मिसल पाव और कांदे भुर, जिसमें से मिसल पाव मुझे काफ़ी पसंद आया। इसी के साथ ऑमलेट पाव का भी ऑप्शन था। तो कुछ इस तरह से हमने आरके रिसोर्ट में हमारा टाइम बिताया। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छे पॉइंट्स की। ये रिसोर्ट बजट फ्रेंडली है, यह पैकेज हमें 2000 पर पर्सन पड़ा, जिसमें लंच, हाई टी एंड स्नैक्स, डिनर और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। स्विमिंग पूल के भी 2 ऑप्शन हैं, तो हर किसी को अपना स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ में टेबल टेनिस, कैरम और बैडमिंटन है, और बच्चों के लिए गार्डन भी। और इस रिसोर्ट में एक स्ट्रीम भी बहता है जो बारिश में काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। अब बात करते हैं निगेटिव पॉइंट्स की। वैसे तो कोई निगेटिव पॉइंट्स नहीं है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर मैंशन करना चाहूँगा, ये रिसोर्ट कर्जत स्टेशन से काफ़ी दूर है। तो ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही ट्रैवल कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। सी या।